फ्रेंड्स, हम लोग आज बनाएंगे एक टी लाइट होल्डर। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए फेविक्रिल का मोल्डिट। टी लाइट होल्डर के लिए हमको जो बेस बनाना है, उसके लिए हम कोई भी प्लास्टिक की बॉटल लेंगे। मैंने ये पुरानी बॉटल ली हुई है, इस पर हम लोग पॉलीथीन से कवर करेंगे। जिस साइज़ का हमको टी लाइट होल्डर बनाना है, उस साइज़ का। ये टी लाइट होल्डर मैंने फेसबुक की प्रिया मैम उनसे सीखा है, ये मेरा खुद का क्रिएशन नहीं है। तो इस पे हम लोग पॉलीथीन लगाते हैं और देखते हैं। पॉलीथीन को हम लोगों को इसमें ऐसे कवर करना है सेम साइज़ का, और इस पे हम सेलो टेप से इसको यहाँ पे चिपका देंगे इस जगह पर। ये पॉलीथीन को ऐसे लगाना है कि बिल्कुल बराबर से इसको यहाँ पर मैंने सेलो टेप लगाया हुआ है। अब आगे देखते हैं। हम लोग मोल्डेड के रेजिन और मोल्डेड हार्डनर, इन दोनों को इक्वल मिक्स करेंगे, और उसके पहले हम लोग हाथ में अपने टैल्कम पाउडर लगाएंगे जिसमें ये चिपके ना। अपने हाथों में टैल्कम पाउडर लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब टैल्कम पाउडर लगाने के बाद हाथों में इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब देखिए, इन दोनों को ही हमको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। एक बात का ध्यान रखना है, इसकी एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो जाता है अगर एक्सपायर हो गया तो। देख सकते हैं ये मिक्स होके बिल्कुल एक सा हो गया है। अब हम इसको इसकी पतली पतली स्ट्रिंग बनाएंगे। देखिए इसकी अब इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको ऐसे ऐसे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि इसको सूखने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगता है। तो पर एक गलती इसमें हुई है मुझसे कि जब मैंने इसको शॉप से परचेज़ किया तो एक्सपायरी नहीं देखा, और इसकी वजह से देखिए इसमें क्रैक्स आ गए हैं। पर अगर आप ध्यान देते हैं तो क्रैक्स नहीं आएंगे। फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमको। ये अच्छे सूख जाएगा तब इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे ऐसे। और ये पॉलीथीन, क्योंकि ये हार्ड नहीं है तो ये भी आराम से निकल जाएगी। के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो गया है। अब हम लोग इसका नीचे का बेस बनाएंगे, नीचे का जो बॉटम है वो हम बनाएंगे। इसके लिए हम मोल्डेड से एक इसके सेम साइज़ का एक पेट सी बनाएंगे और इसके नीचे चिपका देंगे इसको। हम लोग इसके साइज़ का एक प्लेट सी बना लेंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसको चिपका देंगे। देखिए इसको हम लोग अच्छे से इसमें ये देखिए इसको हमने अच्छे से इसमें चिपका दिया है। अब इसको इसको उल्टा करके ही रखेंगे और इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा सूखने में। और जब ये हार्ड हो जाएगा उसके बाद हम इसमें फिनिशिंग देंगे, मन चाह कलर देंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। ये अभी ये सूख के तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसका जो वायर है वो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना करके बाकी वायर को हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसके वायर को कट कर दिया।
हम लोग इसको पेंट करेंगे। एक सेकेंड, तो इसके लिए हम लोग आप अपनी पसंद का एक्रिलिक कलर लेंगे, जो भी चाहिए हमको। वैसे मेरे पास ये गोल्डन कलर है तो मैं इसका ही यूज़ करना चाहूँगी। तो देखते हैं इस कलर को लगाने के बाद कैसा लगता है। कोई भी ब्रश, ये है 3 नंबर का ब्रश, इसे छोटा तो भी आपका काम चल जाएगा। ये फेविक्रिल का, ये सिल्वर कलर का है, ये डस्ट पाउडर जो होता है, ये ड्राई फॉर्म में है, तो ये इसको हम लोग चाहेंगे तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो करते हैं पेंट हम लोग। मेरे पास इस समय मेटेरियल कलर नहीं है, अदरवाइज़ मुझे लगता है इसमें मेटेरियल कलर ज़्यादा सूट करता। स्प्रे पेंट भी अच्छा लग सकता है, पर आपके पास है तो आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हो। बट अगर एक्रिलिक कलर कर रहे हो और मेटेलिक कलर है तो इस गोल्डन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए बाहर साइड से तो ये लगभग हो चुका है कलर, पर अंदर साइड से इसको हम लोग थोड़ा कलर करेंगे। तो अब इसको हम लोग अंदर से भी कलर करेंगे, जिसमें ये सब तरफ से एक सा दिखे। कि फाइनली ये कलर हो चुका है और इसको भी हमने कलर कर लिया है, इसकी वायर को भी उसका कलर किया। अब इसमें डबल कोट करेंगे तभी इसमें और फिनिशिंग आ जाएगी। ये दूसरे ब्रश को, ड्राई ब्रश है, उसको मैंने लिया है, उससे डस्ट पाउडर है, इसको थोड़ा थोड़ा इसमें लगा देंगे। देखिए तो ये थोड़ा सा मेटेलिक लुक भी आ रहा है, देखिए इसके करने की वजह से। अब देखिए हमने दूसरा ब्रश लेके, जो कि ड्राई है, ये डस्ट पाउडर इसमें हल्का हल्का लगा दिया है। पूरे में लगाएंगे, सिर्फ कुछ कुछ पार्ट में लगाएंगे, थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए, इसका अच्छा लुक देने के लिए। अभी गीला है वाला, तो इसमें अच्छे से चिपक भी जाएगा ये कलर। इसमें हमें और कोई कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये गीला है और गीले में लगा सकते हैं इसको। कहीं के लगाएंगे, कहीं के नहीं लगाएंगे, तो थोड़ा सा अलग लुक आएगा इसका। पूरे में इसको नहीं लगाना है। देखिए फाइनली हमारा ये बनके तैयार है। अभी हल्का सा गीला है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा सूखने देंगे। देखिए यह पूरी तरह से सूख चुका है। इसका यूज़ आप पेन होल्डर के लिए भी कर सकते हो और टीलेट होल्डर के लिए भी कर सकते हो, तो दोनों में ही ये यूज़ हो सकता है। अब इसमें हम रखते हैं इसको और इसको हम चलाते हैं। इसको हैंग करने के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब आप दिया अंदर रखेंगे या कैंडल रखेंगे अंदर तो आपका हाथ जल सकता है और इस हैंगिंग के थ्रू आपका हाथ जलेगा नहीं। तो देखिए फाइनली हमारा टीलेट होल्डर बन चुका है और आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आप सब सुरक्षित दीपावली मनाएं। आशा करती हूँ आपको ये मेरा DIY अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नए DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।